Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a very basic topic under education, that is aims of education. It is a very broad topic. In today's lecture, I will cover only two aims, knowledge acquisition and character building. Okay, and the lecture will be useful for your general knowledge as well as for your professional and general courses under education. Okay, and the lecture will be in bilingual mode. You can get explanation in Hindi and notes in English. Okay, so first of all, knowledge acquisition. देखिए, जब हम शिक्षा का उद्देश्य पढ़ने जा रहे हैं तो ज्ञान अर्जन तो शिक्षा का उद्देश्य है ही. मतलब हम तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं. तो जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि इसमें लिखना क्या है, मैटर उनको नहीं मिलता है. तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि नॉलेज क्या है. वहां से शुरू करते हैं, नॉलेज से जाइए, नॉलेज एक्विजिशन. फिर नॉलेज एक्विजिशन के भी क्या तरीके हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज है, तब आप नॉलेज एक्विजिशन की बात कीजिए तो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सब्सटेंस, आंसर को सब्सटेंस मिल जाएगा. अच्छा लगेगा देखने में कि बच्चे को इतना पता है. नॉलेज क्या है? नॉलेज कैन बी यूज्ड टू मीन अ वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज फैमिलियरिटी विद पीपल, पर्सन, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, बिलीव्स, फेथ एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस. कहा जा रहा है कि ज्ञान क्या है, एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत सी चीजों को जानते हैं, उनसे फेमिलियरिटी होती है, हम लोगों को, व्यक्तियों को, कौशलों को, दक्षताओं को हमें आती हैं बहुत सारे काम करने के लिए, बिलीव, फेथ एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस, यही ज्ञान है. फिर अगर हम ये देखें कि मनुष्य का जो ह्यूमन माइंड है उसके कंटेंट को हम पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं. उसमें नॉलेज कहीं एक क्रम में आता है. कहाँ है शुरुआत, कहाँ से होती है? डेटा से. सबसे पहले आंकड़े, हर जगह आंकड़े उपलब्ध हैं, है ना. डेटा से ही इंफॉर्मेशन बनती है. रिजल्ट ऑब्टेन व्हेन डेटा प्रोसेस टू ऑब्टेन आंसर्स टू हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन क्वेश्चंस. यानी कि जब डेटा की प्रोसेसिंग होती है, आंकड़ों पे काम किया जाता है तो हमें उत्तर मिलते हैं, कौन है, क्या है, कहाँ है, कब है, तो हमको सूचना मिलती है. यानी कि सूचना कहाँ से आती है? आंकड़ों से. और व्हेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर अप्लाइड टू गेट आंसर्स टू हाउ क्वेश्चंस, तो हमको ज्ञान मिलता है. यानी कैसे हो रहा है, यानी कि आंकड़ों से सूचना मिली, सूचना ने हमको, सूचना को जब हमने एप्लीकेशन पार्ट उसका गए, उसके अनुप्रयोग पे गए, तो हमको ज्ञान मिला और हमको ये उत्तर मिले कि ये कार्य कैसे हो रहा है. फिर उसके ऊपर, यानी कि नॉलेज के ऊपर क्या है? अंडरस्टैंडिंग है. आंसर्स दी वाई क्वेश्चंस, जब हमको इनके उत्तर मिलने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, यानी कि तब समझ विकसित होती है. ज्ञान से ऊपर है. और सबसे ऊपर विवेक है, विजडम है, जिसमें कि दी एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ का भी अनुप्रयोग हम कर पाएं, समझ का भी मूल्यांकन कर पाएं, तो हम विवेकपूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं. यानी कि डेटा लोएस्ट स्टेज है, विजडम हाइएस्ट स्टेज है, डेटा के बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के बाद विजडम आता है. फिर आता है नॉलेज एक्विजिशन. ज्ञान अर्जन है क्या? नॉलेज एक्विजिशन टिपिकली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू वन ऑफ ए नंबर ऑफ मेथड्स. यानी कि कई तरीकों से जब हम ज्ञान को ग्रहण कर पाएं, उस पर काम कर पाएं, उसको समझ पाएं, किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाएं, तो वही ज्ञान का अर्जन है. दिस इज ऑफन अ फील्ड ऑफ स्टडी क्लोजली टाइड टू कॉग्निशन, मेमोरी एंड द वे इन विच ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम. यानी कि ज्ञान अर्जन का जो अध्ययन क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं कॉग्निशन और मेमोरी के इर्द गिर्द घूमता है. नॉलेज एक्विजिशन टिपिकली डिटेल्स हाउ पीपल एक्सपीरियंस न्यू इन्फॉर्मेशन, हाउ दैट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ब्रेन एंड हाउ दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉल्ड फॉर लेटर यूज. यानी ज्ञान अर्जन का मेनली लेना देना किससे है? कि कैसे लोग जो हैं वो न्यू इन्फॉर्मेशन को अनुभव करते हैं, नई सूचनाओं का अनुभव कैसे करते हैं, कैसे वो सूचना हमारे मस्तिष्क में स्टोर होती है, कैसे उस सूचना को हम बाद के काम के लिए रिकॉल करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं. सम अप्रोचेस टू नॉलेज एक्विजिशन हैव बीन बिल्ट अपॉन द आइडिया दैट पीपल हैव ए प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड नॉलेज और आर बॉर्न विद सर्टेन वैल्यूज और नॉलेज ऑलरेडी इन प्लेस. The blank slate approach regards humans as essentially empty of knowledge upon birth and that new information is acquired and utilized throughout a person's life. ज्ञान अर्जन के जो कुछ उपागम हैं वो इस पर बेस्ड हैं कि हमारे अंदर ये, मतलब मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति है कि वो ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है. और जो ब्लैंक स्लेट अप्रोच है वो क्या कहती है कि हम उत्पन्न हुए हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है और हम थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ हम ज्ञान का अर्जन करते रहते हैं.
और क्या है नॉलेज एक्विजिशन? इट टिपिकली बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. इट इज यूजुअली डन थ्रू विजुअल, ओरल एंड टेक्टाइल सिग्नल्स दैट अ पर्सन रिसीव्स थ्रू हिज और हर सेंसेस. यानी हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से देख के, सुन के, सूंघ के, टच करके इसको प्राप्त करते हैं. Once information is received, knowledge acquisition typically continues through encoding and understanding that information. This encoding process allows a person to build a cognitive model, sometimes called a schema, for a piece of information. जब हम cognitive approach, cognitive development Piaget का पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हमने schema पढ़ा था. वो कह रहे हैं कि जब हम किसी सूचना को receive करते हैं, तो उसका एक encoding, एक scheme, एक picture, एक cognitive model हमारे दिमाग में बन जाता है, और उसको schema कहते हैं. फिर guidelines for knowledge acquisition, कैसे ज्ञान का अर्जन हो? तो पांच इसके गाइडलाइन बताई गई हैं. सबसे पहले क्या है, प्रोसेस द मटेरियल सीमेंटिकली. सीमेंटिक का मतलब होता है अर्थपूर्ण तरीके से, यानी कि आपको जो मटेरियल है उसको अर्थपूर्ण तरीके से प्रोसेस करना है. नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड सीमेंटिकली, देयरफॉर नॉलेज एक्विजिशन इज ऑप्टिमाइज्ड व्हेन द लर्नर फोकसेस ऑन द मीनिंग ऑफ द न्यू मटेरियल. यानी कि जब अर्थ हमको पता होगा मटेरियल का, तो वो चीजें हमको जल्दी समझ में आएंगी. फिर प्रोसेस एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली, यानी हमको कई बार यही करना है कि टेस्ट करना है, रिट्रीव करना है इन्फॉर्मेशन को. क्या करना है, लर्निंग एंड रिट्रीवल कंडीशंस शुड बी सिमिलर. हाउ नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इज डिटरमाइंड बाय द कंडीशंस एंड कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच इट इज लर्न्ड. वो कह रहा है कि ज्ञान का रिप्रेजेंटेशन इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की दशाओं में, कैसे कॉन्टेक्स्ट में सीखा जा रहा है. एंड दिस इन टर्न डिटरमाइंस हाउ इट इज रिट्रीव्ड. और तभी वो हमको रिकॉल कर पाएंगे, तभी हम उसको रिट्रीव कर पाएंगे उस इंफॉर्मेशन को. इन्फॉर्मेशन इज बेस्ट रिट्रीव्ड व्हेन द कंडीशंस ऑफ लर्निंग एंड रिट्रीवल आर द सेम. This principle has been referred to as encoding specificity. इस सिद्धांत को encoding specificity कहते हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि information तब best तरीके से retrieve हो सकती है जबकि सीखने की दशा और जिस दशा में आप चाह रहे हैं कि हमने जो सीखा है हमको याद आ जाए वो same हो. ठीक है, फिर बार बार ये बात निकल के आती है कि connect new knowledge to prior knowledge. हमें जो नया ज्ञान है उसको पुराने ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना है, सीखना है. और क्रिएट कॉग्निटिव प्रोसीजर्स. प्रोसीजरल नॉलेज इज बेटर रिटेन्ड एंड मोर इजीली एक्सेस्ड, देयरफॉर वन शुड डेवलप एंड यूज कॉग्निटिव प्रोसीजर्स व्हेन लर्निंग इंफॉर्मेशन. ओके, अभी आपको टाइप्स ऑफ नॉलेज भी बताएंगे तो वहां पता चल जाएगा. फिर नॉलेज एक्विजिशन एज एम ऑफ एजुकेशन. वो कह रहे हैं कि ज्ञान अर्जन, जब हम कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है, उसका मतलब क्या है? इट इज इंटीग्रली टाइड to how the mind organizes and represents information. Learning can be enhanced by considering the fundamental properties of human knowledge as well as by the ultimate function of the desired information. The most important property of knowledge is that it is organized semantically. Therefore, learning methods should enhance meaningful study of new information. Yani ki gyan ka arjan shiksha ka uddeshya hai, to humko ye janna hai ki kaise gyan ka arjan behtar tarike se ho sakta hai. To keh rahe hain ki kyunki gyan ki sabse mahatvapurna gun ye hai ki ye arthpurna tarike se vyavasthit hota hai, isliye learning method aise hone chahiye जो कि जो न्यू इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है उसका एक मीनिंगफुल स्टडी, उसका एक मीनिंगफुल चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करें. इन द नैरो सेंस नॉलेज एम एम्प्लाइज नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. और अगर हम इसका संकीर्ण अर्थों में उद्देश्य मान लें, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन है, तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए. लेकिन अगर हम इसका वाइडर सेंस में मतलब जानेंगे, तो इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स. यानी कि हमारी मानसिक शक्तियों का विकास ज्ञान का अर्जन है. मानसिक शक्तियां कौन कौन सी? थिंकिंग, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे तर्क करते हैं, हम कैसे विभेद करते हैं, हम कैसे निर्णय लेते हैं, हम याद कैसे करते हैं, प्रॉब्लम समस्या समाधान कैसे करते हैं, इमेजिनेशन पावर क्या है, इंटेलिजेंस, ये सब आ जाएगा. इन सब का डेवलपमेंट ही नॉलेज एक्विजिशन है. New knowledge consists in possessing ideas of universal validity and universal relevance. जो सच्चा ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, उसकी universal acceptance है. Knowledge acquisition should not be considered as an end in itself. ये नहीं मानना चाहिए कि ज्ञान का अर्जन, ज्ञान अर्जन हो गया, अर्जित हो गया और हमारा उद्देश्य खत्म. Rather, it should be a means to other ends. बल्कि जब हम ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं, तो और भी माध्यम में हम प्रखर मुखर हो जाते हैं. जैसे कि हमारा डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, सिविल इफिशियंसी, हमारी नागरिक क्षमता जो है वो बढ़ती है, इकोनॉमिक कॉम्पिटेंसी, हम बेहतर कमा सकते हैं, लिविंग अ रिचर एंड हेल्दी लाइफ, हम एक धनवान और एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी सकते हैं, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी एटसेट्रा. और हम जन कल्याण में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं अगर हमने वाकई ज्ञान का अर्जन किया है. ठीक है, ये हुआ ज्ञान का अर्जन, शिक्षा का उद्देश्य. एक मिनट, एक स्लाइड आई थी, सॉरी, चलो कोई नहीं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, फिर आगे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग एज एन एम ऑफ एजुकेशन. बीच में कहीं कुछ मिस हो गया, मैं ये भी बताना चाह रही थी कि जो टाइप्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज दो प्रकार की है, डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज. ये
इतना तरीका का जानिए आप कि नॉलेज क्या है, ह्यूमन माइंड का कंटेंट की क्या हायरार्की है, नॉलेज एक्विजिशन किसको कहते हैं, नॉलेज कितने टाइप की होती है, नॉलेज एक्विजिशन की क्या गाइडलाइंस है, तब बताइए कि नॉलेज एक्विजिशन एम ऑफ एजुकेशन है, तब आपके पास बढ़िया मैटर होगा लिखने के लिए, ठीक है। और उसी तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग, देखिए सभी को लगता है कि हाँ चरित्र निर्माण शिक्षा का उद्देश्य है, मतलब बहुत इन जनरल समझ में आता है, पर चरित्र भी एक संकीर्ण सेंस में चरित्र मत देखिए, चरित्र का भी बहुत सारे डायमेंशन है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। शुरुआत कहाँ से करते हैं कि अ पर्सन्स कैरेक्टर रिफर्स टू द डिस्पोजिशन एंड हैबिट्स दैट डिटरमाइन द वे दैट अ पर्सन नॉर्मली रिस्पॉन्ड्स टू डिजायर्स फियर्स चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज फेलियर्स एंड सक्सेसेस। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति का चरित्र क्या है, हमारी वो आदतें जो ये सुनिश्चित करती हैं कि हम कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे किसी इच्छा के लिए, किसी भय के प्रति, कोई चैलेंज हमारे सामने आए तो, हमारे सामने अवसर मिले तो, हम सफलता अर्जित करें तो, हम को असफल हों तो, हमारी जो आदतें हैं, क्योंकि आदत का मतलब कैरेक्टर का क्या मतलब, ऐसा थोड़ी कि हम आज ऐसे बिहेव करें कल दूसरी तरह से बिहेव करें, वो कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर मतलब कि कंसिस्टेंटली हम वैसे बिहेव करते हैं। थॉमस लिकोना डिस्क्राइब्स कैरेक्टर एजुकेशन एज द डेलिबरेट एफर्ट्स टू कल्टीवेट वर्च्यू। वो कह रहा है कि कैरेक्टर एजुकेशन का मतलब है कि हम जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको गुण आप में डेवलप कर सकें। सम एजुकेशनलिस्ट कंसिडर दिस एज द सुप्रीम एम ऑफ एजुकेशन। कुछ शिक्षाविदों ने कहा है कि ये शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम उद्देश्य होना चाहिए या है। It is said that education consists of cultivation of certain human values and development of attitudes and habits which constitute the character of a person. ये कहा जाता है कि शिक्षा हमारे अंदर कई मूल्य और कई हमारी अभिवृत्तियां, वृत्तियां, आदतें विकसित करती हैं जिनसे हमारा चरित्र बनता है। Our great leaders like Mahatma Gandhi and Swami Vivekanand also emphasized character foundation as the primary aim of education. हमारे जो महान नेता हुए जैसे गांधी जी, विवेकानंद, इन्होंने भी कहा जो चरित्र निर्माण है वो हमारा शिक्षा का प्राइम मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जॉन डीवी आल्सो एग्रीड कैरेक्टर फॉर्मेशन इज द ओवरऑल एम ऑफ एजुकेशन। और टी रेमंड ने भी कहा है कि एजुकेशन फाइंड्स इट्स रियल मीनिंग एंड वैल्यू व्हेन इट्स एम इज कैरेक्टर बिल्डिंग। कह रहे हैं कि शिक्षा तब अपने वास्तविक अर्थ को प्राप्त करती है जब इसका मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण होता है। Bertrand Russell emphasizes that the formation of character is the chief aim of education. Herbert, the great educator of 19th century, says the whole work of education may be summing up the concept of morality. मतलब इतने शिक्षाविदों ने चरित्र निर्माण की महत्ता को स्वीकारा है कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि the troubles of the whole world, including India, are due to the fact that education has become a mere intellectual exercise and not the acquisition of moral and spiritual values. वो कहते हैं कि पूरे संसार की समस्याएं, जिसमें कि भारतवर्ष भी आता है, इसलिए है क्योंकि शिक्षा जो है वो केवल एक बौद्धिक अभ्यास बन के रह गई है, जबकि इसको क्या होना चाहिए मॉरल यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का अर्जन इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ कैरेक्टर। देखिए हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कैरेक्टर क्या क्या होता है। हम अगर पढ़ने जा रहे हैं तो कैरेक्टर का मतलब है इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर, सिविक कैरेक्टर, परफॉर्मेंस कैरेक्टर, एज वेल एज कलेक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्कूल। और इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर का मतलब कि हमारा बौद्धिक चरित्र। बौद्धिक चरित्र का मतलब एकेडमिक लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, मतलब जो हमने सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, याद किया, वो जरूर इंपॉर्टेंट है। येट द एकेडमिक गोल ऑफ एजुकेशन हैज लेस टू डू विद एक्युमुलेटिंग स्पेसिफिक नॉलेज दैन विद डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। बट इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर का मतलब हमारे में एक बौद्धिक चरित्र होना चाहिए, ना कि ये कि हमने बहुत कुछ याद कर लिया है। इसका क्या मतलब है? रॉन रिटकार्ट डिफाइंस इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर एज द ओवरआर्किंग कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ माइंड, पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड जनरल डिस्पोजिशंस टुवर्ड थिंकिंग दैट नॉट ओनली डायरेक्ट बट ऑल्सो मोटिवेट वंस थिंकिंग ओरिएंटेड परस्यूट्स। यानी कि बौद्धिक चरित्र का मतलब है कि हमारी मन की आदतें, हमारे सोचने के तरीके, हमारे पैटर्न, हम कैसे जनरली सोचते हैं, कैसे हम मोटिवेट होते हैं कुछ सोचने के लिए, वो सब हमारा बौद्धिक चरित्र बनाता है। और उन्होंने कहा कि 6 डिस्पोजिशन हैं जो कि इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर के लिए केंद्र में आते हैं। कौन कौन से? क्यूरियस, हमको उत्सुक होना चाहिए, ओपन माइंडेड, मतलब खुले मन से नई चीजों को स्वीकार करना चाहिए, रिफ्लेक्टिव, हम जो सीखें, जाने, महसूस करें उस पर अपना रिफ्लेक्शन दें, उस पर अपना व्यू पॉइंट बताएं, स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, हम ये नहीं कि बस हैपजर्ड तरीके से चल रहे हैं। स्केप्टिकल, मतलब कि हर चीज को आप आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिए, आप उस पर तर्क वितर्क करिए। एंड ट्रुथ सीकिंग, और सत्य को खोजने की चेष्टा करिए। इतना कुछ अगर हम करेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर बौद्धिक चरित्र का विकास हो गया है। मॉरल कैरेक्टर थॉमस लिकोना हैज पॉइंटेड आउट डाउन थ्रू हिस्ट्री इन कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन हैज हैड टू ग्रेट गोल्स, टू हेल्प यंग पीपल बिकम स्मार्ट एंड टू हेल्प देम बिकम गुड।
वो कह रहे हैं कि अगर आप इतिहास में पीछे पन्ना पलट के देख लीजिए तो शिक्षा के दो ही मुख्य उद्देश्य रहे हैं कि हम लोगों को स्मार्ट बनाएं और अच्छा बनाएं। अच्छा का मतलब जस्ट एज इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर फोकसेस ऑन इंटेलिजेंट एक्शन मोर देन ऑन इंटेलिजेंट पर से, मॉरल कैरेक्टर इज मोर अबाउट इनएक्टिंग गुडनेस देन लर्निंग स्पेसिफिक वर्च्यूज। वो कह रहे हैं कि मॉरल कैरेक्टर का ये मतलब नहीं कि मैं बहुत सारे गुण सीख लिए हैं, बल्कि ये कि वाकई हम में अच्छाई है। Educators don't dictate which moral values should take priority in person's life, but we do have a responsibility to help students become sensitive to moral considerations, gain the cognitive capacity to think deeply and clearly about moral issues and principles, and to develop a disposition to act in accord with considered moral convictions. That's the essence of moral character. वो कह रहा है कि हमको ये नहीं कि हमको उनको सिखाना है या हम उनको ये बताएं कि नहीं आपको सच्चाई को सबसे ऊपर रख के चलना है, नहीं हमको उनको प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बताना है, बल्कि हमको उनको सेंसिटिव बताना है, बनाना है, हम मॉरल कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंग काम करें, हम सोचें, हम इश्यूज के हिसाब से चलें, हम एक मॉरल कन्विक्शंस के अनुसार हम निर्णय पर पहुंचे, हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। ये है जो आपका नैतिक चरित्र है। और सिविक कैरेक्टर, हम लोग सिविल सोसाइटी में रहते हैं, एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, किस तरह से हमको बिहेव करना है। पैशन फॉर द पब्लिक गुड इज द हार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल सिविक कैरेक्टर। यानी कि अगर वाकई हमारे में नागरिक चरित्र है अच्छा, तो इसका मतलब कि जो मतलब कि पब्लिक गुड है उसकी हम रक्षा करें, उसके लिए हम पैशन रखें कि नहीं ये जो सामान है, संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, वो भी हमारी ही संपत्ति है, उस हिसाब से उसको संभाल के रखें। एंड द नीड टू डेवलप सिविक कैरेक्टर वॉज ए प्राइम मोटिव फॉर एस्टैब्लिशिंग पब्लिक एजुकेशन। DB stressed that schools must cultivate the dispositions needed in broader society and become miniature democratic societies where schools learn how their actions affect the well-being and success of the group. देखिए DB का एक बहुत famous quote है कि school is the miniature society, है ना, यानी कि public good के लिए हमारे अंदर passion है। हम train को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, bus को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम कोई चीज गंदी नहीं करेंगे, कुछ खराब नहीं करेंगे। ये है civic character, ये हमको सिखाना है education के through, और ये education का aim होना चाहिए। The passion for the public good can motivate the attainment of relevant competencies. और इससे क्या चीजें आ जाएंगी, civic and political knowledge आएगी हमारे अंदर, intellectual skills such as critical thinking, social and participatory skills भी develop होंगी अगर हमारे अंदर civic character है तो। Last but not the least, performance character. कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैरेक्टर रिफर्स टू द डिस्पोजिशंस, वर्च्यूज और पर्सनल क्वालिटीज दैट इनेबल एन इंडिविजुअल टू अकॉम्प्लिश इंटेंशंस एंड गोल्स। वो कह रहे हैं कि हमने जो ठाना है, अगर हम उसको बहुत अच्छे से करने की हमारे अंदर क्षमता है, मादा है, इसका मतलब हमारे अंदर परफॉर्मेंस कैरेक्टर है। इसको फाउंडेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे गुण आते हैं, जैसे परसीवरेंस हो गया, डिलीजेंस हो गया, साहस हो गया, रिसिलियंस हो गया, ऑप्टिमिज्म, हम आशावादी हैं, हम इनिशिएटिव हैं, हम इनिशिएटिव लेते हैं, है ना, लॉयल हैं हम। Such qualities relate to the exercise of will and reflect honed skills in self-management. Often they are called virtues, but they need to be distinguished from the moral virtues. They कह रहे हैं moral virtues नहीं हैं, गुण तो हैं पर नैतिक गुण नहीं हैं। और कह रहे हैं कि कौन performance character, मतलब हमको जो भी काम मिले करने के लिए अगर हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं, इसका मतलब हमारा performance character हमारा बढ़िया है, मतलब हमको जो मिले उसमें हम गर्व महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकें। रॉन बर्गर ने इसको इथिक्स ऑफ एक्सीलेंस कहा है, मतलब जो काम मिल रहा है उसको एक्सीलेंट तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर परफॉर्मेंस कैरेक्टर है। दोज विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कैरेक्टर ट्राई टू डू देयर बेस्ट इन डोमेन्स ऑफ एक्टिविटी दैट आर इंपॉर्टेंट टू देम। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन कामों को हम एकदम लगन से, शिद्दत से करना चाहते हैं। आई थिंक खत्म है, ठीक है। तो नॉलेज एक्विजिशन आपने समझा, और कैरेक्टर बिल्डिंग, तो कैरेक्टर बिल्डिंग चरित्र निर्माण, यानी कि जो शिक्षा के द्वारा चरित्र का निर्माण हो रहा है, वो सिर्फ चरित्र में आपका बौद्धिक चरित्र, आपका नैतिक चरित्र, आपका नागरिक चरित्र और आपका परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन चरित्र सब शामिल होगा, तब सही मायनों में हमारे चरित्र का निर्माण होगा। ओके, तो इसमें मैंने सिर्फ दो एम कवर किए हैं। अभी बचा है आपका एक ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप, एक नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। ओके, सो आई हैव डन इट। And thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. Okay? Done from my side.